दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया करके इसको लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं और शर्लक होम्स उसके कमरे में मौजूद थे। शर्लक होम्स के हाथ में एक नोट था जो आखिरी डाक से आया था। होम्स ने उस नोट को बड़े ही ध्यान से पढ़ा, फिर एक फीकी हंसी के साथ उसे मेरे सामने फेंक दिया। फिर उसके बाद वो बोला, ये तो हद ही हो गई है वॉटसन, जरा देखो तुम्हें इससे क्या पता चलता है। मैंने जल्दी से उस पत्र को उठाया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, 46 ओल्ड ज्योरी, 19 नवंबर, री वेम्पायर्स। डियर सर, मिन्सिन लेन में स्थित चाय की दलाली करने वाली कंपनी फर्ग्यूसन और मुयरहेड के हमारे क्लाइंट मिस्टर रॉबर्ट फर्ग्यूसन ने वैम्पायर्स के संबंध में हमसे कुछ पूछताछ की है। अब चूंकि हमारी फर्म पूरी तरह से मशीन्स के मूल्यांकन की विशेषज्ञता रखती है तो ये मामला हमारे दायरे में नहीं आता है और इसीलिए हमने मिस्टर फर्ग्यूसन को आपको बुलाने और इस केस को आपके सामने रखने की सलाह दी। हम मटिल्डा ब्रिक्स के मामले में आपकी सफल कार्रवाई को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। आपके जवाब की प्रतीक्षा में मॉरिसन, मॉरिसन एंड डॉट। होम्स ने मुझे याद दिलाते हुए कहा, वॉटसन, मटिल्डा किसी औरत का नाम नहीं है, ये एक जहाज था जो सुमात्रा के एक विशाल काय चूहे से जुड़ा हुआ था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने और समझने के लिए दुनिया अभी तैयार नहीं है। अब लेकिन शैलोक, हम वैम्पायर्स के बारे में क्या जानते हैं और क्या यह हमारे काम के दायरे में आता भी है? शैलोक ने कहा, हालांकि मैं मानता हूं वॉटसन कि मेरे पास फिलहाल अभी कोई केस नहीं है, इसलिए कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर ही होता है। लेकिन असल में शैलोक, ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परियों की कहानी में आ गया हूं। वैम्पायर्स, सीरियसली? शैलोक ने कहा, जरा हाथ आगे बढ़ाओ वॉटसन और देखो कि वी लेटर का इस बारे में क्या कहना है। मैं पीछे झुका और उस बड़े से इंडेक्स वॉल्यूम को उठा लाया जिसका शैलोक ने जिक्र किया था। होम्स ने उसे अपने घुटनों पर रखा और उसकी आंखें पुराने मामलों के रिकॉर्ड्स में घूमने लगी जो जीवन भर की जमा की हुई जानकारी के साथ संभाल कर रखे हुए थे। ये ग्लोरिया स्कॉट का किस्सा, ये रहा विक्टर लिंच, ये जहरीली छिपकली और ये सर्कस वाली लड़की विक्टोरिया, वेंडरबेल्ट और यगमैन, वाइपर्स और हाँ, ये रहा वैम्पायर्स। इसे सुनो वॉटसन, हंगरी में वैम्पायर्स, ट्रांसिल्वेनिया में वैम्पायर्स। शैलोक ने उत्सुकता के साथ कुछ पन्ने पलटे लेकिन फिर न जाने कैसे उसका इरादा बदल गया और फिर उसने बड़ी ही निराशा के साथ उस किताब को नीचे फेंक दिया। ये सब बकवास है वॉटसन, पूरी तरह से बकवास। हमें चलती फिरती लाशों से भला क्या लेना देना है? छी, ये तो पागलपन है। मैंने शैलोक से कहा, शैलोक, ये जरूरी तो नहीं कि वैम्पायर्स या पिशाच कोई मरा हुआ आदमी ही हो, किसी जिंदा आदमी को भी तो खून चूसने की आदत हो सकती है। जैसे मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक बार एक बूढ़ा आदमी अपनी जवानी बनाए रखने के लिए जवान लड़कों का खून चूसता था। हाँ, तुमने सही कहा वॉटसन, इनमें से एक संदर्भ इस कहानी के बारे में भी बताता है। लेकिन वॉटसन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमें ऐसी बातों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए? इस दुनिया में पहले ही अपराधों की कमी है क्या जो अब हम भूत प्रेतों को भी पकड़ना शुरू कर दें? मुझे नहीं लगता कि हम इस मिस्टर रॉबर्ट फर्ग्यूसन के केस को ज्यादा गंभीरता से ले सकते हैं। अब वैसे शायद ये वाला, ये दूसरा नोट भी उसी की तरफ से आया है। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इतना कहकर शैलोक ने एक दूसरा पत्र उठाया। जब उसने उसको पढ़ना शुरू किया तब उसके चेहरे पर पहले तो एक मुस्कान उभर आई, फिर ऐसा लगने लगा जैसे उस पत्र में लिखी बातों पर उसे दिलचस्पी होने लगी हो। उस पत्र को पढ़ने के बाद वो कुछ देर तक अपने विचारों में खोया रहा। वो पत्र उसकी उंगलियों में झूल रहा था। आखिर में जैसे गहरी नींद से जागते हुए शैलोक मुझसे बोला, चीजमैन्स लैम्बरली। ये लैम्बरली कहाँ है वॉटसन? मैंने कहा, लैम्बरली ये शायद ससेक्स में है, हॉर्शम के दक्षिण में। ओह अच्छा, इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं है। और ये चीजमैन्स के बारे में क्या जानते हो, ये कहाँ है? चीजमैन्स, हाँ मैं इस देश को जानता हूँ शैलोक। ये देश ऐसे घरों से भरा पड़ा है
जिनके नाम सदियों पहले उनको बनाए जाने वाले आदमियों के नाम पर रखे गए हैं। वहां पर आपको ऑडलीज, हार्वीज और कैरिटोन्स नाम के घर मिल जाएंगे। उन लोगों को तो भुला दिया, लेकिन उनके नाम आज भी उन घरों में जिंदा मिलेंगे। ये शेरलॉक होम्स के घमंडी स्वभाव की एक खास विशेषता थी कि किसी भी मिली ताजा जानकारी को वो अपने दिमाग में बहुत जल्दी और सटीक रूप से दर्ज कर लेता था, लेकिन जानकारी देने वाले की वो कभी बड़ाई नहीं करता था। मेरी दी जानकारी को सुनने के बाद उसने बड़े ही ठंडे स्वर में कहा, ठीक है वॉटसन, मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें चीज़मैन्स लैम्बर्ली के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेना चाहिए। जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि यह चिट्ठी रॉबर्ट फर्ग्यूसन्स की है, वैसे उसने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो तुम्हारा परिचित है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही इसे पढ़ लो। शेरलॉक की ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, मेरा परिचय? मैंने शेरलॉक के हाथ से वो चिट्ठी ली और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय मिस्टर शेरलॉक होम्स, मेरे वकीलों ने आपको मेरी सिफारिश की है, लेकिन मामला इतना ज्यादा संगीन है कि इस पर बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये मेरे एक दोस्त से जुड़ा हुआ है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इस भले आदमी ने करीब 5 साल पहले पेरू की एक औरत से शादी की थी। वो पेरू के एक व्यापारी की बेटी थी जिससे वो नाइट्रेट्स के आयात के सिलसिले में मिला था, लेकिन उसके विदेशी जन्म और विदेशी धर्म के कारण उन दोनों पति और पत्नी के बीच हितों और भावनाओं में हमेशा एक फासला सा बना रहा, और एक समय ऐसा आया जब पति का प्यार उसके लिए ठंडा पड़ गया और फिर वो अपनी शादी को एक गलती के रूप में देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी के चरित्र के कुछ ऐसे पहलू थे जिन्हें वो कभी भी तलाश या समझ नहीं पाया। हालांकि ये सोचना उसके लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना कोई औरत एक मर्द से कर सकती है, उसके लिए पूरी तरह से समर्पित। और बाकी बात हम आपसे मिलने पर पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे। असल में ये नोट आपको सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको परिस्थितियों का एक आइडिया दिया जा सके और साथ ही ये पूछा जा सके कि क्या आप इस मामले में दिलचस्पी लेना चाहेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से उस औरत में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो लक्षण उसके सामान्य और मधुर स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। दरअसल मेरे दोस्त की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी है मिस्टर होम्स, और पहली पत्नी से उसका एक बेटा भी है। वो लड़का अब तक 15 साल का हो चुका है, एक बहुत ही खूबसूरत और स्नेही बच्चा। हालांकि बचपन में वो एक दुर्घटना में घायल हो गया था। 2 बार मेरे दोस्त की नई पत्नी को इस बेचारे लड़के के साथ बिना वजह मारपीट करने के कारण पकड़ा गया था। एक बार तो इसकी दूसरी पत्नी ने उस बेचारे बच्चे को डंडे से मारा था, जिससे उसकी बाह पर एक बहुत बड़ा जख्म भी बन गया था। हालांकि अपने ही बच्चे के प्रति उसने जो किया उसकी तुलना में ये बात बहुत छोटी थी। उस दूसरी औरत का खुद का बच्चा 1 साल से भी कम उम्र का है, बहुत ही प्यारा सा बच्चा। करीब 1 महीने पहले की बात है कि एक दिन उसकी नर्स ने उस बच्चे को कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दिया था। तभी उस नर्स को उस बच्चे के जोर से रोने की आवाज आई। जब वो नर्स वापस कमरे में भागी तो उसने देखा कि उसकी मालकिन, उस छोटे बच्चे की माँ, उस बच्चे के ऊपर झुकी हुई है और उसकी गर्दन पर काट रही है। बच्चे के गले पर एक छोटा सा घाव भी बन गया था जिसमें से खून निकल रहा था। वो नर्स इतना डर गई थी कि उसने उस औरत के पति को बुलाकर उसको सारी बात बतानी चाही, लेकिन उस औरत ने उसे ऐसा ना करने के लिए कहा और उसकी चुप्पी की कीमत के रूप में उसे 5 पाउंड्स दिए। इस बात का कोई स्पष्टीकरण बाद में नहीं दिया गया और उस समय इस मामले को दबा दिया गया, लेकिन इस बात ने उस नर्स के दिमाग पर एक बहुत ही भयानक छाप छोड़ी और बस उस समय से वो अपनी मालकिन और उस बच्चे पर कड़ी निगरानी रखने लगी, क्योंकि वो नर्स उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जिस तरह से वो उसकी माँ पर नजर रखती है, वैसे ही माँ भी उस पर नजर रख रही थी। और हर बार जब उसे उस बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो माँ पहले से ही उसके पास जाने के लिए इंतजार कर रही होती है। दिन रात वो नर्स उस बच्चे को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगी रहती थी और उस बच्चे की खामोश चौकन्नी माँ एक मौके की तलाश में रहती थी, जैसे एक भेड़िया भेड़ के बच्चे की ताक में रहता है। ये सब आपको बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा होगा मिस्टर होम्स, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरी इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि एक बच्चे का जीवन और एक आदमी का विवेक इस पर निर्भर है।
अंत में वो भयानक दिन आया जब उस आदमी से इस बात को छिपाया नहीं जा सकता था। नर्स के दिमाग की नसों ने जवाब दे दिया। वो अब और तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने उस आदमी को सब कुछ बता दिया। उस आदमी को ये सारी बातें एक बेतुकी कहानी लगी, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त इस पत्र को पढ़कर आपको लग रही होगी। वो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि उसकी पत्नी एक प्यार करने वाली माँ है, तो वो अपने ही प्यारे से नन्हे से बच्चे को घायल क्यों करेगी भला। उस आदमी ने उस नर्स से कहा कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। उसने उस नर्स से कहा कि ऐसा सोचना भी पागलपन है कि एक माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, और उसके द्वारा उसकी मालकिन का इस तरह से अपमान किया जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। नर्स और मालिक एक साथ दौड़े दौड़े नर्सरी में पहुंचे। और जरा उस पति की हालत की कल्पना कीजिए मिस्टर होम्स, जब उसने अपनी पत्नी को अपने नन्हे से बच्चे के बगल में घुटने टेके बैठे हुए देखा और बच्चे की खुली गर्दन और चादर पर खून फैला हुआ देखा। उसने एक भयानक चीख के साथ अपनी पत्नी का चेहरा रोशनी की तरफ कर दिया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी के होठों के चारों तरफ खून लगा हुआ था। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी, यही वो औरत थी जिसने उस बेचारे बच्चे का खून पिया था। आप समझ ही सकते हैं मिस्टर होम्स कि तब से वो बेचारा आदमी पागलों जैसी हालत में है। वैम्पायर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और सुना जरूर है, लेकिन असल जिंदगी में भी कभी ऐसा होता है ये हम में से कोई भी सोच भी नहीं सकता था, और वो भी यहां ससेक्स जैसी जगह में। अब बताइए मिस्टर होम्स, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे? क्या आप अपनी महान शक्तियों का उपयोग एक दुखी व्यक्ति की सहायता करने में करना चाहेंगे? यदि ऐसा है तो कृपया करके फर्ग्यूसन चीज़मैन्स लैम्बर्ली को एक तार भेजिए, मैं 10 बजे तक आपके घर पहुंच जाऊंगा। आपका रॉबर्ट फर्ग्यूसन। यह खत यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, मुझे याद है जब मैं रेजिमेंट के लिए 3/4 था, उस समय आपका दोस्त वॉटसन ब्लैक हीथ के लिए रग्बी खेलता था। ये वो एकमात्र परिचय है जो आपके दोस्त मैं डॉक्टर वॉटसन के बारे में दे सकता हूं। उस पत्र को फोल्ड करके मेज पर रखते हुए मैंने शेरलॉक होम्स से कहा, हाँ मुझे वो आदमी अच्छी तरह से याद है शेरलॉक, बिग बॉब फर्ग्यूसन। वो उस समय का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था, बड़े ही अच्छे स्वभाव वाला था। लगता है कि वो अपने दोस्त के लिए काफी चिंतित है। मेरी ये बात सुनकर होम्स ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, वॉटसन इस आदमी को एक तार भेज दो कि मैं आपके मामले की खुशी खुशी जांच करूंगा। मैंने हैरानी से पूछा, अब आपके मामले की मतलब? शेरलॉक बोला, बिल्कुल वॉटसन, तुमने सही सुना। हमें उसे ये नहीं सोचने देना चाहिए कि हमारी ये जासूसी एजेंसी कमजोर दिमाग वालों का घर है। बेशक ये उसका खुद का मामला है, तुम उसको तार भेज दो, बाकी बात हम सुबह करेंगे। अगली सुबह 10 बजे फर्ग्यूसन हमारे कमरे में आया। उसके खत को पढ़कर मेरे दिमाग में उसकी जो छवि बनी हुई थी अब वो उसके एकदम विपरीत था। छोटे बाल, झुके हुए कंधे और मजबूत कद काठी की जगह ढीला ढाला शरीर। मुझे देखकर उसने कहा, कैसे हो वॉटसन? मैं तो अच्छा हूं, पर तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, और आपके टेलीग्राम से मैं देख रहा हूं मिस्टर होम्स कि अब मुझे अपने दोस्त के बारे में नाटक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। शेरलॉक ने कहा, हाँ सीधे बात करना ही ज्यादा सही रहता है। जी हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप एक ऐसी औरत की बात कर रहे होते हैं जिसकी रक्षा और मदद करने के लिए आप बाध्य हैं, तो ये काम कितना मुश्किल हो जाता है। मैं कितनी परेशानी में हूँ मिस्टर होम्स, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसी कहानी लेकर मैं पुलिस के पास कैसे जाऊँ, और फिर बच्चों की सुरक्षा भी तो करनी है। क्या ये पागलपन है मिस्टर होम्स, या फिर मेरी पत्नी के खून में ही कुछ है? क्या मिस्टर होम्स आपके अनुभव में पहले भी ऐसा कोई मामला आया है? भगवान के लिए प्लीज मुझे कुछ सलाह दीजिए, क्योंकि मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। शेरलॉक ने कहा, हाँ मिस्टर फर्ग्यूसन, ये तो स्वाभाविक है। अब आप आराम से बैठ जाइए और खुद को थोड़ा संभालिए, और मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे।
आप मिस्टर फर्ग्यूसन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस बारे में आपने क्या क्या कदम उठाए हैं। क्या आपकी पत्नी अभी भी आपके बच्चों के पास है? वो दृश्य बड़ा ही खतरनाक था मिस्टर होम्स। वो बहुत ही प्यारी औरत है। अगर कोई औरत कभी किसी पुरुष को पूरे दिल और सच्ची आत्मा से प्यार करती है तो उतना ही प्यार मेरी पत्नी मुझसे करती है, लेकिन मैं उसके अजीब व्यवहार का कारण पता नहीं कर पाता। उस दिन जब मैंने उसे बच्चे के पास देखा तब से तो वो मुझसे बात तक नहीं करती। उसने मेरे तिरस्कार भरे शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब तरह की निराशाजनक निगाहों से मुझे देखती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। और उसके बाद उसने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया और तब से उसने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया है। उसकी एक नौकरानी है जो उसकी शादी से पहले से उसके साथ है, उसका नाम डॉलोरस है। एक नौकर से ज्यादा वो उसकी सहेली है। बस वो उसका खाना उसके पास लेकर जाती है और मेरी पत्नी सिर्फ उसी से बात करती है। शैलोक बोला, तो इसका मतलब है कि फिलहाल बच्चों को कोई खतरा नहीं है। मिस्टर होम्स, हमारी नर्स मिसेस मैसन ने कसम खाई है कि वो उस बच्चे को रात दिन कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जैक की ज्यादा चिंता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने खत में बताया, वो मेरे बेटे जैक पर दो बार हमला भी कर चुकी है। शैलोक ने पूछा, अच्छा मिस्टर फर्ग्यूसन, क्या आपकी पत्नी ने आपके बेटे जैक का भी खून पीने की कोशिश की थी? नहीं मिस्टर होम्स, मेरी पत्नी ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा। ये बात इसलिए और भी भयानक है क्योंकि वो बेचारा एक छोटा सा अपंग बच्चा है। जब आप उसे देखेंगे तो समझ पाएंगे कि उस प्यारे से बच्चे की उस हालत पर किसी का भी दिल नरम पड़ जाएगा। बचपन में वो गिर गया था और उससे उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई थी और इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पाता है, लेकिन उसका दिल मिस्टर होम्स बहुत ही नरम और प्यारा है। शैलोक ने आगे पूछा, आपके घर में और कौन कौन है मिस्टर फर्ग्यूसन? मिस्टर होम्स, एक नौकर है जो घर में ही सोता है। उसके अलावा मेरी पत्नी, मैं, मेरा बेटा जैक, छोटा बच्चा डॉलरस और मिसेस मेसन, बस इतने ही लोग हैं मिस्टर होम्स। शैलोक ने आगे पूछा, अच्छा मिस्टर फर्ग्यूसन, क्या आप शादी से पहले अपनी पत्नी को अच्छे से नहीं जानते थे? मिस्टर होम्स, हमारी पहचान बस कुछ हफ्तों की ही थी। अच्छा मिस्टर फर्ग्यूसन, ये नौकरानी डॉलरस उसके साथ कब से है? जी, कुछ सालों से। ओ, तो इसका मतलब है कि आपकी पत्नी के चरित्र को आपसे बेहतर उसकी नौकरानी डॉलरस जानती है। जी हाँ मिस्टर होम्स, आप ऐसा कह सकते हैं। होम्स ने इस बात को नोट कर लिया। फिर उसने कहा, मिस्टर फर्ग्यूसन, ये व्यक्तिगत रूप से जाकर जांच करने का केस है। सारी बातों को ठीक से समझने के लिए हमें आपके घर आना होगा। अगर आपकी पत्नी अपने कमरे में ही रहती हैं तो हमारे वहां आने से आपकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं होगी, और वैसे भी हम लोग सराय में रुकेंगे। फर्ग्यूसन ने राहत की सांस ली और कहा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं मिस्टर होम्स। अगर आप मेरे घर आते हैं और इस केस को अपने हाथ में लेते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। विक्टोरिया से 2 बजे ससेक्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेन जाती है, आप उससे वहां आ सकते हैं। शैलोक ने कहा, ठीक है मिस्टर फर्ग्यूसन, हम 2 बजे वाली ट्रेन से ही आएंगे। फिलहाल मेरे हाथ में और कोई केस नहीं है तो मैं अपनी पूरी एनर्जी आपके केस में लगा सकता हूं, और बेशक डॉक्टर वॉटसन भी मेरे साथ आएंगे। और हाँ मिस्टर फर्ग्यूसन, वहां आने से पहले 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं। जितना आपकी कहानी से अब तक मुझे समझ में आया है तो ये औरत आपके बच्चे, जिनमें से एक इसका खुद का है और एक आपकी पहली पत्नी का, आपकी पत्नी दोनों पर हमला करती दिखाई दी है। जी हाँ मिस्टर होम्स, ऐसा ही है। लेकिन मिस्टर फर्ग्यूसन, दोनों के नतीजे अलग अलग सामने आए हैं, है कि नहीं? शैलोक ने कहा, तुम्हारे बेटे को, यानी कि तुम्हारी पहली पत्नी से हुए बेटे को उसने सिर्फ पीटा है। जी हाँ मिस्टर होम्स, एक बार छड़ी से और एक बार बहुत ही बुरी तरह से अपने हाथों से पीटा था। अच्छा मिस्टर फर्ग्यूसन, क्या आपकी पत्नी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया था कि उसने आपके बेटे को क्यों मारा? जी नहीं मिस्टर होम्स, बस उसने इतना ही कहा कि वो उससे नफरत करती थी। उसने बार बार ऐसा कहा। शैलोक बोला,
हाँ, सौतेली माँ के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे क्या आपकी पत्नी स्वभाव से ईर्ष्यालु है? जी हाँ मिस्टर होम्स, वो बहुत ही ईर्ष्यालु है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से आने के कारण उसका स्वभाव बहुत ही उग्र है। लेकिन मिस्टर फर्ग्यूसन, आपका बड़ा बेटा वो उम्र में करीब 15 साल का है और मुझे लगता है कि उसका दिमाग अपनी उम्र से ज़्यादा विकसित होगा क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से क्रियाशील नहीं है। क्या उसने कभी आपको अपने ऊपर हुए इन हमलों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया? जी नहीं मिस्टर होम्स, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने ऐसा कहा कि इसके पीछे कोई कारण नहीं था। अच्छा मिस्टर फर्ग्यूसन, एक और सवाल, क्या आपकी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी से हुए बेटे के बीच में कभी कभी दोस्ती, कभी कुछ लगाव रहा था? अब जी नहीं मिस्टर होम्स, उन दोनों के बीच कभी कोई लगाव नहीं रहा। अच्छा, फिर भी आप कहते हैं कि आपके बेटे का स्वभाव बहुत ही नम्र, बहुत ही स्नेही है। जी मिस्टर होम्स, पूरी दुनिया में आपको इतना समर्पित बेटा कहीं नहीं मिलेगा। मेरी जान में उसकी जान बसती है, वो हमेशा वही करता है जो मैं उससे कहता हूं। होम्स ने इस बात को भी अपने पास नोट कर लिया। फिर कुछ देर वो सोच में डूबा रहा और फिर बोला, इस बात में तो कोई शक नहीं मिस्टर फर्ग्यूसन कि आप और आपका बड़ा बेटा आपकी शादी से पहले काफी अच्छे दोस्त थे। आप दोनों अपना काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। जी हाँ मिस्टर होम्स, पूरी तरह से। तो आपका इतना स्नेही स्वभाव का लड़का निसंदेह कहीं ना कहीं अपनी माँ की यादों से भी जुड़ा होगा, सही कहा ना मैंने? जी हाँ मिस्टर होम्स, बहुत ज्यादा। शेलॉक बोला, यह निश्चित रूप से बेहद ही दिलचस्प बच्चा है। वैसे इन हमलों के बारे में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं मिस्टर फर्ग्यूसन, क्या छोटे बच्चे पर और आपके बड़े बेटे पर एक ही समय में हमले हुए थे? जी मिस्टर होम्स, पहली बार तो ऐसा ही हुआ था। ऐसा लगा था जैसे मेरी पत्नी पर पागलपन का कोई दौरा पड़ गया हो और फिर उसने दोनों बच्चों पर अपना गुस्सा उतार दिया हो। लेकिन दूसरी बार मिस्टर होम्स, उसने सिर्फ जैक पर ही हमला किया था, मेरे बड़े बेटे पर। शेलॉक ने कहा, ओह, इससे तो मामला थोड़ा सा जटिल हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर होम्स, फर्ग्यूसन ने कहा। देखिए मिस्टर फर्ग्यूसन, आपकी सारी बातों से मेरे दिमाग में एक थ्योरी बन चुकी है, लेकिन पूरी तरह से उसकी पुष्टि करने के लिए मुझे आपके घर आकर कुछ चीजों को देखना और समझना जरूरी है। फिलहाल तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आपकी समस्या ऐसी नहीं है कि जो हल ना हो सके। आप अभी निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और 2 बजे वाली ट्रेन से हमारे आने का इंतजार कीजिए। ये नवंबर के दिन की एक शाम थी, जब चेकर्स नाम के होटल में अपना सामान रखकर हम एक लंबी और घुमावदार गली से ससेक्स की तरफ चल दिए। फर्ग्यूसन का घर एक बेहद ही एकांत जगह में बना एक प्राचीन फार्म हाउस था। यह एक जर्जर होती इमारत थी जो काफी पुरानी थी। इसमें बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई थी। फर्ग्यूसन हमें एक बड़े से हॉल में लेकर गया जहां कोने में एक पुराने स्टाइल की चिमनी में शानदार आग जल रही थी। यह कमरा तारीखों और जगहों का एक बड़ा ही विलक्षण मिश्रण था। आधे पैनल वाली दीवारें 17वीं शताब्दी के मूल किसानों के दीवारों जैसी थी। वे दीवारें काफी सजी हुई थी, हालांकि उनके निचले हिस्से पर अच्छी तरह से चुने गए आधुनिक वाटर कलर्स की लाइंस थी। ऊपर के हिस्से में जहां पीला प्लास्टर था, वहां दक्षिण अमेरिकी बर्तनों और हथियारों का एक बड़ा कलेक्शन लटका हुआ था। ये सारी चीजें निसंदेह फर्ग्यूसन की पत्नी पैरों की उस महिला द्वारा लाई गई होंगी। मेरा दोस्त शेलॉक होम्स बड़ी ही जिज्ञासापूर्ण नजरों से उन चीजों को देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर वो उनके पास गया और उसने बड़ी ही सावधानी से उन चीजों की जांच की और फिर कुछ सोचते हुए वो वापस लौट आया। बस तभी उसकी नजर कोने में रखी हुई एक कुत्ते की टोकरी पर गई जिसमें एक स्पैनियल कुत्ता लेटा हुआ था और अब हमें देखकर वो बहुत ही धीरे धीरे अपने मालिक की तरफ बढ़ रहा था। उसकी पिछली टांगें ठीक से काम नहीं कर रही थी और उसकी पूंछ भी जमीन पर लटकी हुई थी। फर्ग्यूसन के पास पहुंचकर वो कुत्ता उसका हाथ चाटने लगा। उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए शेलॉक होम्स ने फर्ग्यूसन से पूछा, मिस्टर फर्ग्यूसन, इस कुत्ते के साथ क्या समस्या है? फर्ग्यूसन ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर होम्स, इसका डॉक्टर भी इस बारे में बहुत हैरान है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि इसकी समस्या क्या है।
वो कहता है कि ये एक तरह का पैरालिसिस है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस, लेकिन धीरे धीरे इसका असर खत्म हो रहा है सर। मुझे लगता है ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, है ना कार्लो? फर्ग्यूसन ने अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फिराकर कहा, और उस कुत्ते की लटकी हुई पूंछ धीमे धीमे हिलने लगी थी। उस कुत्ते की मायूस नजरें हम सभी को बारी बारी से देख रही थी, शायद वो समझ रहा था कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए शेलॉक होम्स ने फर्ग्यूसन से पूछा, मिस्टर फर्ग्यूसन, क्या आप बता सकते हैं कि इस कुत्ते की ऐसी हालत धीमे धीमे हुई थी या फिर अचानक से? फर्ग्यूसन ने जवाब दिया, बिल्कुल अचानक हुई थी मिस्टर होम्स, एक ही रात में। शेलॉक ने पूछा, ये कितने समय पहले की बात होगी? फर्ग्यूसन बोला, जी करीब 4 महीने हो गए होंगे। शेलॉक ने कहा, ओह बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। यह बात सुनकर फर्ग्यूसन के माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है मिस्टर होम्स, और इसमें इतना अच्छा क्या है? शेलॉक ने कहा, मिस्टर फर्ग्यूसन, मैंने जो सोचा था इस बात से उसकी पुष्टि हो जाती है। देखिए मिस्टर होम्स, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, आपके लिए शायद ये सिर्फ एक दिमागी पहेली होगी, लेकिन मेरे लिए ये जीवन और मौत का सवाल है। मेरी पत्नी शायद कातिल है और मेरे बच्चे लगातार खतरे में हैं। प्लीज आप मेरे साथ इस तरह की पहेलियां मत बुझाइए मिस्टर होम्स। यह सब बोलते हुए रग्बी के उस 3/4 प्लेयर का मजबूत शरीर कांप रहा था। शेलॉक ने अपना हाथ उसकी बांह पर रखा और बोला, मुझे डर है मिस्टर फर्ग्यूसन कि समस्या का हल चाहे जो भी हो, लेकिन आपके लिए वो दर्दनाक ही होगा। इससे ज्यादा फिलहाल मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घर से जाने से पहले मैं आपकी समस्या को हल करके ही जाऊंगा। शेलॉक की बात सुनकर फर्ग्यूसन ने उससे कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर होम्स, प्लीज 5 मिनट के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाकर देखता हूँ कि क्या उसकी हालत में कुछ बदलाव हुआ है। इतना कहकर फर्ग्यूसन उस कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसके उदास चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसकी पत्नी के हालत में कोई बदलाव नहीं आया है, और उसके साथ एक लंबी दुबली और भूरे मुंह वाली लड़की भी थी। फर्ग्यूसन ने उससे कहा, चाय तैयार है डॉलरस, देखना तुम्हारी मालकिन को जो भी चाहिए हो वो सब उसके लिए ले जाना। लेकिन अपने मालिक की तरफ गुस्से से देखते हुए वो लड़की जोर से चिल्ला पड़ी, वो बीमार है, वो खाना नहीं चाहती, उसको डॉक्टर चाहिए, बिना डॉक्टर के मुझे उसके साथ रहने में डर लगता है। फर्ग्यूसन ने प्रश्न भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया था कि फर्ग्यूसन चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने फर्ग्यूसन से कहा, अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मुझे बेशक खुशी होगी। मैंने उस लड़की से भी पूछा, अब क्या तुम्हारी मालकिन मुझसे मिलना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं, मैडम को डॉक्टर की जरूरत है। मैंने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इतना कहकर मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। उस औरत का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। उसके कमरे के सामने पहुंचकर उस लड़की ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और उस कमरे के भारी भरकम दरवाजे को खोल दिया, और फिर हम दोनों के अंदर दाखिल होने के बाद उसने वो दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई थी जिसे स्पष्ट रूप से तेज बुखार था, वो सिर्फ आधे होश में थी। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया उसने मेरी तरफ बड़ी डरी हुई निगाहों से देखा, लेकिन यह अजीब बात थी कि एक अजनबी को अपने सामने देखकर वो बड़ी ही राहत महसूस कर रही थी। एक गहरी सांस के साथ उसने अपना सिर वापस तकिए पर गिरा दिया। मैंने उसे सांत्वना दी और उसकी नब्ज और उसका तापमान चेक किया, ये दोनों ही सामान्य से काफी ज्यादा थे, लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा था कि उसकी ये हालत किसी दौरे की बजाय मानसिक उत्तेजना और घबराहट की बदौलत थी। उस नौकरानी ने प्रार्थना भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुझसे बोली, मेरी मालकिन की हालत बहुत खराब है डॉक्टर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएंगी, क्या आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं प्लीज? उस बीमार औरत ने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया और मुझसे बोली, मेरे पति कहाँ हैं? मैंने कहा, वो नीचे ही हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे इतना कहते ही जैसे उस पर पागलपन का दौरा सा पड़ गया। नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगी, वो एक शैतान है, शैतान है वो, मैं उस शैतान का क्या करूं, हे भगवान।
मैंने उसको सांत्वना देते हुए कहा, अब मैडम खुद को संभालिए और बताइए क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया डॉक्टर साहब, सब खत्म हो गया। मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया डॉक्टर साहब, सब बर्बाद हो गया। उसकी ये हालत देखकर मेरे मन में जो विचार उछला वो ये था कि उस औरत के मन में एक अजीब सा भ्रम था। उस ईमानदार और भले आदमी फर्ग्यूसन की एक शैतान के रूप में कल्पना करना मेरी समझ से बाहर था। देखिए मैडम, आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है और आपकी इस हालत के कारण वो भी काफी दुखी है। वो औरत बोली, अब मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ कि उसके दिल को तोड़ने के बजाय खुद का बलिदान करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ लेकिन उसने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा। वो मुझसे बात तो कर सकता था, मेरी इस हालत को कुछ तो समझने की कोशिश कर सकता था। मैं उसको शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, देखिए मैडम, वो आपकी इस हालत से बहुत दुखी है, शायद इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाया। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं समझ सकता, लेकिन कम से कम उसे मुझ पर इतना भरोसा तो होना चाहिए। वैसे क्या आप अपने पति से मिलेंगी? नहीं नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहती, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। मैं उन भयानक शब्दों को कभी नहीं भूल सकती जो उसने उस दिन मुझसे कहे थे, और ना ही उसके चेहरे के उन भावों को मैं भुला सकती हूँ जो उस समय मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। मैं उससे कतई नहीं मिलूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। उसे बस एक बात बोल देना कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरे बच्चे पर मेरा अधिकार है, बस यही एक बात है जो मैं उससे कहना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने मुंह फेर कर दीवार की तरफ कर लिया और उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद मैं नीचे वाले कमरे में लौट आया जहां फर्ग्यूसन और शेरलॉक होम्स आग के सामने बैठे हुए थे। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। फर्ग्यूसन ने सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना, फिर उसने कहा, अब आप ही बताएं मैं बच्चे को उसके पास कैसे भेज सकता हूँ। पता नहीं कब उसके ऊपर वही पागलपन का दौरा फिर से चढ़ जाए। मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं मिस्टर होम्स कि वो किस हालत में उस बच्चे के पास मुझे बैठी हुई मिली थी। उसके होठों पर लगे हुए खून को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। वो बच्चा मिसिस मेसन के पास ही सुरक्षित है और उसे वहीं रहना चाहिए। बस तभी नौकरानी चाय लेकर आ गई। वो चाय परोस रही थी तो दरवाजा खुला और एक जवान होता लड़का कमरे में दाखिल हुआ। पीले चेहरे, सुनहरे बालों और हल्की नीली आंखों वाला ये लड़का काफी खूबसूरत था। अपने पिता पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी बाहें अपने पिता की गर्दन पर डाल दी, ठीक उसी तरह जैसे छोटी बच्चियां अपने माता और पिता को देखकर उनके साथ करती हैं। वो अपने पिता को देखकर खुशी से चहक उठा, वाओ डैडी, मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, मैं आपको यहाँ देखकर कितना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। फर्ग्यूसन ने थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ खुद को उसके आलिंगन से दूर किया, फिर उसने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, बेटे मैं इसलिए जल्दी आया क्योंकि मिस्टर होम्स और डॉक्टर वॉटसन यहाँ आने के लिए राजी हो गए थे। अब डैड, क्या मिस्टर होम्स वो जासूस हैं? हाँ बेटे। उस लड़के ने बड़े ही प्यार भरी नजरों से हमारी तरफ देखा। शेरलॉक होम्स ने उस लड़के को गहरी नजरों से देखते हुए फर्ग्यूसन से पूछा, मिस्टर फर्ग्यूसन, क्या आप हमें अपने छोटे बेटे से नहीं मिलाएंगे? फर्ग्यूसन अपने बड़े बेटे जैक की तरफ घूमा और उससे बोला, जैक जाओ और मिसेस मेसन से कहो कि वो बच्चे को नीचे लेकर आए। वो लड़का कमजोर कदमों से चलता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। उसकी चाल को देखकर मैं बता सकता था कि वो रीढ़ की हड्डी की बीमारी से ग्रसित है। कुछ ही देर में वो लौट कर आया और उसके पीछे एक लंबी दुबली औरत थी जिसकी बाहों में एक बहुत ही सुंदर बच्चा था, काले सुनहरे बालों वाला। उस बच्चे को देखकर फर्ग्यूसन की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो उस बच्चे से कितना प्रेम करता था। उस बच्चे को देखते ही उसने बड़ी ही कोमलता से उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार करने लगा। बस ठीक उसी समय मेरी नजरें शेरलॉक होम्स के चेहरे पर पड़ी और मैं बड़ी ही हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर ऐसे अजीब भाव थे जैसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे।
एक पल के लिए पिता और बच्चे के प्रेम को देखने के बाद उसकी नजरें कमरे में दूसरी तरफ किसी एक चीज पर अटकी हुई थी। जहां तक मुझे समझ में आया, वो कमरे के दूर कोने में बनी खिड़की से बाहर बने बगीचे की तरफ देख रहा था। हालांकि खिड़की का शटर आधा बंद था और बाहर का पूरा दृश्य नजर नहीं आ रहा था, लेकिन होम्स बड़े ही ध्यान से उस खिड़की को देख रहा था। उसके बाद वो मुस्कुराया और वापस उस छोटे बच्चे की तरफ देखने लगा। उसकी गोल मटोल गोरी सी गर्दन पर एक छोटा सा निशान था। बिना कुछ कहे शेलक होम्स ने ध्यान से उस निशान की जांच की। इस समय उसके चेहरे पर बहुत ही संतुष्टि के भाव थे। फिर उसने उस नर्स से कहा जो उसको लेकर आई थी, मिस, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? शेलक उस नर्स को एक तरफ लेकर गया और कुछ देर तक उससे गंभीरता से बात करता रहा। मुझे केवल उसके आखिरी शब्द सुनाई दिए जो ये थे, आपकी चिंता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो नर्स उस छोटे बच्चे को लेकर वहां से चली गई। उसके बाद होम्स ने फर्ग्यूसन से पूछा, मिस्टर फर्ग्यूसन, एक बात बताइए, ये मिसेस मेसन किस तरह की महिला है? फर्ग्यूसन ने जवाब दिया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं मिस्टर होम्स, बाहरी रूप से ज्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन उसका दिल सोने का है और वो मेरे बच्चे के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तभी होम्स उस लड़के की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, जैक, क्या तुम भी मिसेस मेसन को पसंद करते हो? लेकिन उस लड़के ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। वो मिसेस मेसन को पसंद नहीं करता था। फर्ग्यूसन ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बेटे जैकी की पसंद और नापसंद बहुत ही मजबूत है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसकी पसंदों में से एक हूं। यह सुनकर उस लड़के ने बड़े ही प्यार से अपनी पिता की छाती पर सिर रख दिया। फर्ग्यूसन ने धीमे से उसे अलग किया और कहा, जैक, अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मिस्टर होम्स और डॉक्टर वॉटसन से कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर वो अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से तब तक देखता रहा जब तक उसका बेटा उस कमरे से बाहर नहीं निकल गया। उसके जाने के बाद फर्ग्यूसन ने उम्मीद भरी नजरों से शेलक होम्स की तरफ देखा और कहा, अब तो आप सबसे मिल चुके हैं मिस्टर होम्स और सारी बातों को देख समझ भी चुके हैं, क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? होम्स ने बड़ी ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं मिस्टर फर्ग्यूसन कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। असल में हमारे बेकर स्ट्रीट से निकलने से पहले ही हम उस तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहां आकर उसकी पुष्टि करना बाकी था। फर्ग्यूसन उसकी इस बात पर हैरान रह गया। फिर उसने तीखे स्वर में कहा, तो मिस्टर होम्स, अगर आप सब कुछ समझ चुके हैं और इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो कृपया करके मुझे अंधेरे में ना रखें। ऐसी परिस्थितियों में मैं कैसे खुद को संभालूंगा, मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बताइए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस बात को कब समझा और कब हल किया, आप मुझे सिर्फ यह बताइए कि मुझे क्या करना है। शेलक ने कहा, बिल्कुल, मैं यही करने तो यहां पे आया हूं मिस्टर फर्ग्यूसन, और मैं अभी इसी वक्त आपके सामने सारी बातें स्पष्ट करने वाला हूं, लेकिन क्या आप मुझे इस मामले को मेरे अपने तरीके से संभालने की अनुमति देंगे? इतना कहकर होम्स मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझसे कहा, वॉटसन, क्या उस महिला की हालत ऐसी है कि वो हमसे मिल सकती है? वो बीमार है शेलक, और वो काफी समझदार भी है, मेरे ख्याल से वो हमसे मिल सकती है। शेलक ने कहा, बहुत अच्छे, तो हम ये सारी चीजें उसकी मौजूदगी में करेंगे, चलो हम सब उसके पास चलते हैं। तभी फर्ग्यूसन दुख भरे स्वर में चिल्लाया, वो मुझसे नहीं मिलेगी। शेलक ने कहा, आप चलिए तो सही, वो आपसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर होम्स ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा और मेरे हाथ में थमा दिया। तुम्हारे लिए उस कमरे की एंट्री खुली है वॉटसन, क्या तुम मेरी तरफ से इस नोट को उस तक पहुंचाने की कृपा करोगे? मैं उस नोट को लेकर सीढ़ियों से ऊपर उस महिला के कमरे की तरफ गया। मैंने दरवाजा खटखटाया और वो नोट डॉलरस के हाथ में थमा दिया। बस एक पल बाद ही मुझे भीतर से एक खुशी भरी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी चिल्लाहट जिसमें खुशी के साथ साथ हैरानी भी थी। डॉलरस ने दरवाजे पर आकर मुझसे कहा, मेरी मालकिन उनसे मिलने के लिए तैयार है। उसके बाद मेरे बुलाने पर फर्ग्यूसन और होम्स ऊपर कमरे में आ गए। जैसे ही हमने कमरे में प्रवेश किया, फर्ग्यूसन अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रुक जाने के लिए कहा।
फिर वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठकर एक आराम कुर्सी में बैठ गई। होम्स जाकर उसके बगल में बैठ गया और उस औरत ने बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से होम्स को देखा। होम्स ने एक पल के लिए सब लोगों की तरफ नजर घुमाई और फिर सदे शब्दों में बोलना शुरू किया। मैं सीधे और सपाट शब्दों में अपनी बात कहने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको वो बात बता दूं जो आपके दिल और दिमाग को सुकून देगी। आपकी पत्नी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, लेकिन बहुत ही बदकिस्मत औरत है। यह बात सुनकर फर्ग्यूसन की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। वो बोला, आप प्लीज ये बात साबित कर दीजिए मिस्टर होम्स, और मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ मिस्टर फर्ग्यूसन, लेकिन ऐसा करते हुए मुझे आपको एक ऐसी बात बतानी होगी जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि मेरी पत्नी निर्दोष है तो मुझे किसी बात से कोई ऐतराज नहीं मिस्टर होम्स। उसकी तुलना में मैं हर दर्द सहने को तैयार हूं। तो ठीक है मिस्टर फर्ग्यूसन, सुनिए, आपका पत्र मिलने के बाद मैं बेकर स्ट्रीट अपने घर पर बैठकर सारी बातों पर विचार कर रहा था। वैम्पायर्स का विचार तो बिल्कुल बेतुका था। हमारी इस आधुनिक दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने जो देखा वो भी बिल्कुल सटीक था। आपने अपनी पत्नी को उस बच्चे के पास से उठते हुए देखा था और आपने अपनी पत्नी के होठों पर खून लगा हुआ देखा था। लेकिन आप ये नहीं जानते मिस्टर फर्ग्यूसन कि किसी घाव से खून चूसने की दूसरी वजह भी हो सकती है। क्या आपने कभी इस बारे में नहीं पढ़ा कि अंग्रेजी इतिहास में एक ऐसी रानी थी जिसने ऐसा घाव चूसकर उसमें से जहर निकाला था? फर्ग्यूसन ने हैरानी से कहा, जहर? जी हाँ मिस्टर फर्ग्यूसन, जहर। दक्षिण अमेरिका में यह सब बहुत ही सामान्य बातें हैं। यहां आने से पहले ही मैं समझ चुका था कि आपके घर पर मुझे इस तरह के हथियार जरूर मिलेंगे। जब मैंने यहां आने के बाद पक्षियों को मारने वाले धनुष के बगल में रखे उस छोटे से तरकश को खाली देखा तो ही मैं समझ गया था कि मेरा शक पूरी तरह से सही था। अगर उन तीरों में से किसी एक को जहर में डुबोकर बच्चे को मारा गया था या कोई दूसरी शैतानी दवा दी गई थी तो इसका साफ साफ मतलब था कि अगर जल्द ही उस जहर को ना निकाला गया तो उसकी मौत हो जाएगी। और दूसरा सबूत है आपका पालतू कुत्ता। अगर कोई इस तरह का उपयोग करना चाहेगा तो क्या वो उसे उपयोग करने से पहले उसे टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? पहले तो मैंने आपके कुत्ते के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यहां आकर उसे देखते ही मैं इस बात को समझ गया था और वो मेरी थ्योरी में पूरी तरह से फिट हो गया। क्या मिस्टर फर्ग्यूसन, अब आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? आपकी पत्नी को डर था कि उसके बच्चे पर इस तरह का हमला हो सकता है। उसने बच्चे पर हमला होते हुए देखा और फिर उसे बचाने के लिए उसके घाव में से खून चूसा ताकि जहर को बाहर निकाला जा सके, और फिर दोबारा हमला होने पर उसने दोबारा उसे बचाया। लेकिन उसके बाद भी वो आपको सारी बात बताने से कतराती रही क्योंकि वो जानती थी कि आप अपने बड़े बेटे जैक से कितना प्रेम करते हैं और आप ये बात कभी नहीं सह पाते कि आपके छोटे बेटे को वो जहरीला जख्म देने वाला आपका बड़ा बेटा जैक ही है। जैक ही है वो असली हमलावर जिसने आपके छोटे बेटे को मारने की कोशिश की। लेकिन आपकी पत्नी ने आपके भले के लिए आपसे ये बात छुपा कर रखी कि कहीं इस बात से आपका दिल ना टूट जाए। मेरा बेटा जैकी? फर्ग्यूसन ने हैरानी से कहा, ये काम जैकी ने किया? जी हाँ मिस्टर फर्ग्यूसन, ये काम आपके बेटे जैकी ने ही किया है। जब आप अभी थोड़ी देर पहले अपने छोटे बेटे को प्यार कर रहे थे तब मैंने आपके बड़े बेटे को देखा। उसका चेहरा खिड़की के शीशे में साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस वक्त मैंने उसके चेहरे पर इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत देखी जो मैंने शायद ही जिंदगी में कभी किसी इंसान के चेहरे पर देखी हो। फर्ग्यूसन हैरानी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर होम्स? मेरा प्यारा बेटा जैकी, वो भला ऐसा क्यों करेगा? आपको इस सच का सामना करना ही पड़ेगा मिस्टर फर्ग्यूसन। मैं जानता हूं यह सच आपको तकलीफ दे रहा होगा, लेकिन यह एक विकृत प्रेम है आपके प्रति, आपके बड़े बेटे का प्रेम, और शायद उसकी मरी हुई मां के लिए जिसकी वजह से वो ऐसा करने के लिए प्रेरित हुआ। इस खूबसूरत और पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे को देखकर आपके बड़े बेटे जैक के मन में ईर्ष्या और नफरत पैदा हो जाती है क्योंकि आपका छोटा बेटा उसकी तुलना में काफी बेहतर है। इतना कहकर होम्स ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, क्या मैंने सही कहा मैम?
तकिए में अपना चेहरा दबाए हुए वो औरत सिसक रही थी। धीरे से उठकर वो अपने पति के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी? मुझे लगा कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ा झटका होगा, इसलिए यही बेहतर था कि मैं चुपचाप रहकर इंतजार करूं और ये बात तुम मेरे अलावा किसी और से सुनो। जब इन सज्जन का नोट मुझे मिला कि ये सब कुछ जानते हैं, तो मैं कितनी खुश हुई मैं बता नहीं सकती। फर्ग्यूसन और उसकी पत्नी काफी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे सिसकते रहे। होम्स ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, मेरे ख्याल से मिस्टर फर्ग्यूसन, आपके बेटे मास्टर जैक को 1 साल के लिए समुद्री यात्रा में भेज देने से उसमें काफी बदलाव आएगा। वैसे मैडम, बस एक ही बात है जो मैं समझ नहीं पाया। आपने जैक के ऊपर जो हमले किए उन्हें मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, आखिर एक माँ के धैर्य की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इन आखिरी 2 दिनों में आपने अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत कैसे की? जी, मैंने जैक के हमलों के बारे में मिसेज मीसन को बता दिया था। वो भी जानती थी कि जैक मेरे छोटे बेटे को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली थी। मेरे पति मेरे बच्चे को मेरे पास नहीं आने देते थे, इसलिए मिसेस मीसन ही थी जिन्होंने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। फर्ग्यूसन बिस्तर के पास खड़ा था, ये सारी बातों को जानकर मानो जैसे उसका दम घुट रहा था। उसके हाथ सामने फैले हुए थे और वो बुरी तरह से कांप रहा था। होम्स ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें यहां से चलना चाहिए वॉटसन, बाकी की बातें ये लोग आपस में खुद ही निपटा लेंगे। उसके बाद हम दोनों उस कमरे से बाहर निकल आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।